मराठा सैन्याने 10 फेब्रुवारी 1771 रोजी महादजी शिंदे यांच्या नेतृत्वात दिल्ली जिंकली आणि लाल किल्ल्यावर भगवा झेंडा फडकावला। मराठ्यांच्या या पराक्रमाचा स्मरण करण्यासाठी राजधानी दिल्लीमध्ये दिल्ली विजयोत्सव या कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं होतं आणि या कार्यक्रमात भाजप नेते आणि महादजी शिंदेंचे वंशज ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी त्यांच्या इतिहासातील सुवर्ण क्षणांना उजाळा दिला। पाहूयात। हमारे राजश्री पाटिल बुआ महादजी सिंधिया के संदर्भ में जो हिंदवी स्वराज की स्थापना की, अटक से कटक तक, और जो दिल्ली फतेह, दिल्ली में एक विजय श्री प्राप्त की, उसके संदर्भ में जो ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, मैं दोनों संस्था के सदस्यों को दिल से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। महादजी सिंधिया के परिवार के सदस्य के रूप में आज आपके समक्ष उपस्थित होते हुए मेरे लिए एक भावुक पहल है, एक भावुक समय, लेकिन उसी के साथ साथ एक भारतीय होने के नाते एक गर्व का पल भी है, क्योंकि भारत माता का एक ऐसा सपूत, एक ऐसा शख्स, एक ऐसा महावीर को हम श्रद्धांजलि अर्पित करने जा रहे हैं, जिसने भारत माता की गरिमा, भारत माता की प्रतिष्ठा की योगदान में अपनी पूरी जीवन को समर्पित केवल नहीं किया, लेकिन सिंधिया परिवार के इतिहास को भी एक नया आयाम देकर उसे अमर कर दिया। सदाशिव भाव के नेतृत्व में अनेक मराठा सरदार और सिंधिया परिवार के 17 सदस्य, एक नहीं लेकिन 17 सदस्य, महादजी शिंदे और उनके 16 भाई ने एक साथ मिलकर अहमद शाह अब्दाली का सामना किया, हार का सामना किया मराठाओं ने, लेकिन छाती पे बरछा लेकर हार का सामना किया। महादजी शिंदे ने अपने 16 भाइयों को खोया, 16 भाई, और इसका संदर्भ किसी ने नहीं दिया, लेकिन महादजी शिंदे अपने आप रणभूमि में लहू लुहान पूर्ण रूप से घायल पड़े हुए थे। यह आशंका जताई गई थी कि शिंदे परिवार के 17 के 17 रत्न समाप्त हो चुके थे, लेकिन उस जमाने में रणभूमि में सूर्यास्त के बाद भिष्टी जाते थे घायलों को पानी पिलाने, और ऐसे ही भिष्टी ने महादजी सिंधिया को उस रणभूमि में पड़े हुए पहचाना। उस रणभूमि से महादजी शिंदे को उठाया उन्होंने, घर लेकर दवाई की, और उस पानीपत की लड़ाई के बाद मेरे भाई और बहनों, जब मराठा साम्राज्य, मराठा सेना को पूरी तरह से परास्त कर दिया था, महादजी शिंदे स्वयं घायल हुए, जिंदगी भर के लिए विकलांग हो चुके, उनका पैर कट गया था उस रणभूमि में, लेकिन धैर्य नहीं आ रहा, दोबारा उठे, और ऐसे उठे कि उन्होंने अफगानों को भी अपनी नानी याद दिलाने का काम करा दिया। और एक समय था जब
यह अनुभव था कि दिल्ली हाथ से ही निकल गया। लेकिन यह देखो, संकल्प की दौड़, संकल्प की शक्ति, दृढ़ इच्छा विश्वास की शक्ति कि पानीपत 14 जनवरी 1761 और ठीक 10 साल बाद 10 फरवरी 1771 दिल्ली विजयश्री प्राप्त करके नागशाही भगवा झंडा दिल्ली के किले पे लहराया गया। 10 साल के अंदर परास्त होने के बाद, शून्य होने के बाद दोबारा उठकर, दोबारा सेना बनाकर, दोबारा सब लोगों को संकल्प करके, एक नई ऊर्जा की शुरुआत करके वो मुकाम हासिल किया, साम्राज्य के नाम पर नहीं लेकिन हिंदवी स्वराज और भारत माता के नाम पर। उनकी जीवन शैली एक सादगी की थी, त्याग और तपस्या और समर्पण की थी, और वे सदैव चाहते थे कि एक विशाल साम्राज्य के नेतृत्व करते हुए भी वे सदैव चाहते थे कि वे गांव के प्रधान की उपाधि से जाना जाए, और इसलिए वो पाटिल बुआ नाम उनके साथ सदैव जुड़ा जाता था, क्योंकि कनेड़खेड़ गांव के पाटिल यह परिवार था। कि उनके ऊपर एक लाइन लिखी गई थी कि दिल्ली लाहौर तक फतेह किया, दिल्ली लाहौर तक फतेह किया रणवीर शूर सरकार धनी, दिल्ली लाहौर तक फतेह किया रणवीर शूर सरकार धनी, महाराज बनके भी रहे पाटिल सिंधिया जनसेवक सरकार धनी। तरशी ही मराठ्यांच्या पराक्रमाची कहाणी। पीपी माझा उघडा डोळे बघा नीट।